जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में। तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है, महत्व क्या है संकष्टी चतुर्थी के व्रत का और पूजा विधि क्या है, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, किस विधि से भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि हम किसी भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो और हमारे व्यापार में, नौकरी में हमें सफलता की प्राप्ति हो, हमारे जीवन के जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे कार्य भगवान गणेश की कृपा से निर्विघ्न पूरे हों, जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, मान सम्मान की प्राप्ति हो, इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है। जैसा कि नाम है इस तिथि का संकष्टी, उसी प्रकार से संकटों को हरने वाली तिथि मानी गई है ये। हर महीने में दो बार चतुर्थी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष में आती है उसे हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष में आती है उसे विनायक चतुर्थी कहा जाता है। दोनों ही तिथि भगवान गणेश को समर्पित है और दोनों ही दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि का व्रत किस लिए किया जाता है? दोस्तों, चतुर्थी तिथि का व्रत करने से जीवन में सफलता मिलती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं, तो जहाँ पर भी बप्पा विराजते हैं वहाँ पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। तो जब हम गणेश चतुर्थी पर, संकष्टी चतुर्थी पर, विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मकता आती है, बच्चों को शिक्षा में सफलता मिलती है, संतान प्राप्ति की कामना से विशेषकर माताएं इस व्रत को करती हैं, संतान को उन्नति की प्राप्ति होती है। अगर संतान गलत रास्ते पर चली गई है तब भी इस व्रत को करने से और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने से संतान सही मार्ग पर आ जाती है, उसे शिक्षा में, करियर में सफलता की प्राप्ति होती है। आपको अपने व्यापार में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, जीवन में सफलता चाहिए, मतलब गणेश जी जीवन के सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। सभी प्रकार के जो हमारे जीवन में बाधाएं होती हैं, कार्यों में बाधाएं होती हैं, उसे दूर करने वाले हैं। तो हर किसी को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और तिथि होती है चतुर्थी, जो विशेष तिथि होती है भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए। तो अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, भगवान गणेश की आराधना आपको विशेषकर चतुर्थी तिथि पर ज़रूर करनी चाहिए। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आप पूरे समय अगर भगवान गणेश की पूजा आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी, नौकरी करेंगे तो वहां पर भी आपको प्रमोशन की प्राप्ति होगी, अच्छी नौकरी आपको मिलती है, धन संचय होता है। भगवान गणेश की पूजा से धन का संचय, धन का आगमन होता है। तो अगर आप धनागमन चाहते हैं, धन का संचय चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कार्य में आपको सफलता चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश की, अगर हम व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तब भी इसी प्रकार से हमें भगवान गणेश की पूजा हर चतुर्थी पर करनी चाहिए, दोनों पक्षों की चतुर्थी पर। आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं, वैसे तो हर रोज ही भगवान गणेश की पूजा हम प्रातःकाल सबसे पहले करते हैं, लेकिन चतुर्थी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको अगर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीले वस्त्र नहीं है तो आप कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने से पहले आप सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। कभी भी आप जब स्नान करते हैं तो सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो भगवान सूर्य देव की होती है, जो जल अर्पित किया जाता है भगवान सूर्य देव को तांबे के पात्र में, तो ये आपको जरूर करना है। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में आ जाएं, वहां पर एक चौकी स्थापित कर सकते हैं आप चाहे तो। चौकी पर आप लाल वस्त्र बिछाकर या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उन्हें स्थापित करें। अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अपने मंदिर में जो गणेश जी स्थापित है उनकी भी पूजा वहीं पर कर सकते हैं। तो दोनों ही विधियां हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। विधि विधान से हमें पूजा करनी है भगवान गणेश की। गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक अर्पित करें, सुगंधित धूप अर्पित करें, सिंदूर से भगवान गणेश को तिलक करना चाहिए।
आज भगवान गणेश को अक्षत जरूर अर्पित करना चाहिए। और भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं उन्हें फलों का भोग अर्पित करें, मोतीचूर के लड्डू अर्पित कर सकते हैं, कोई भी मिठाई जो आपके पास उपलब्ध हो अर्पित कर सकते हैं। मोदक भगवान गणेश को बहुत प्रिय है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी हमारे पास उपलब्ध हो अपनी उपलब्धता के अनुसार हमें भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो भगवान गणेश की जब आप विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत कर रहे हैं, आज आपका व्रत है संकष्टी चतुर्थी का। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ पूजा कर लीजिए, इतने से भी आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। व्रत आप फलाहारी कर सकते हैं, निर्जल कर सकते हैं, दोनों ही विधियां होती हैं। भक्त अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं। पूरे दिन आपको व्रत करना है और शाम के समय फिर से भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने पर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो शाम को भगवान गणेश की पूजा के बाद, चतुर्थी व्रत की कथा सुनने के बाद, आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य आपको कच्चे दूध से देना है। आप चांदी के पात्र में या फिर स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लीजिए और उसमें आपको अक्षत लेना है, सफेद पुष्प लेना है और भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देना है ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा। इस तरह से आपको चंद्रमा की पूजा करनी है, पूरे दिन व्रत रहना है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद बहुत से भक्त शाम को ही मीठे अन्न का पारण कर लेते हैं, मीठा अन्न खा लेते हैं, लेकिन बहुत से भक्त इसे अगले दिन खाते हैं अन्न, शाम को अन्न नहीं लेते, शाम को फलाहार करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है आपको उसी प्रकार से ये व्रत करना चाहिए। बहुत ही शुभ फल देने वाला ये व्रत होता है। इस व्रत को करने से समस्त प्रकार की बाधाएं जो हमारे जीवन में होती हैं वो दूर होती हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए चतुर्थी तिथि का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो भी संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं जरूर उन्हें भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग अर्पित करना चाहिए। 21 दुर्वा भगवान गणेश को जरूर आप अर्पित करें और 21 नहीं हो तो आप 11 या 3 5 विषम की संख्या में अर्पित किया जाता है दुर्वा, जितनी दुर्वा उपलब्ध हो। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत प्रिय है तो हरी हरी दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप जिस भी कामना से ये व्रत कर रहे हैं वो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है अगर आप भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग लगाकर दुर्वा अर्पित करते हैं तो। और वहां पर आपको बैठकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है और इस मंत्र का जप आप पूरे दिन कर सकते हैं, मन ही मन स्मरण कर सकते हैं। आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। संतान प्राप्ति की कामना है तो गणेश संतान स्तोत्र जो है उसका पाठ आप कर सकते हैं। बहुत ही सारे स्तोत्र और मंत्र हैं भगवान गणेश के। आप जिस भी मंत्र का उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं या फिर आपकी जो भी समस्या है उससे संबंधित मंत्र का जाप करने से, स्तोत्र का जाप करने से आपकी समस्या शीघ्र ही समाप्त होती है। अगर शिक्षा में आपको सफलता चाहिए तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, बहुत ही शीघ्र आपको शिक्षा में सफलता मिलने लग जाती है। आपके जो भी शिक्षा में रुकावटें आ रही हैं वो बाधाएं भगवान गणेश दूर कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बार चतुर्थी तिथि पर बहुत ही विशेष संयोग भी बन रहा है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 जून को शाम 3:54 से और समाप्त हो रही है 28 जून को दोपहर में 2:16 पर। तो व्रत हमें किस दिन करना है, व्रत हमें 27 को करना है क्योंकि शाम को चंद्रमा हमें 27 जून को ही प्राप्त हो रहा है और 28 को 2:16 पर दोपहर में तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 28 को व्रत करने से हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं मिल पाएंगे चतुर्थी तिथि में। तो आपको व्रत करना है 27 जून को, दिन रविवार का होगा। इस बार 27 जून को रविवार है और जब भी रविवार के दिन चतुर्थी आती है उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय है, चंद्र दर्शन का समय है 27 जून को रात में 10:03 पर। इस समय में चंद्रमा को आप अर्घ्य दें और उसके बाद आपके व्रत का समापन हो जाता है। चतुर्थी तिथि इस बार विशेष संयोग इसलिए लेकर आई है क्योंकि रविवार का दिन है और रविवार के दिन जब भी चतुर्थी आती है तो इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य को अनुकूल बनाने के लिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य कमजोर है, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आज आप विशेष रूप से सूर्य देवता की पूजा करें। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और जब स्नान करने के बाद सर्वप्रथम आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो किस प्रकार से जल अर्पित करना है, तांबे के पात्र में आपको जल लेना है, उस जल में आपको रोली डालना है, अक्षत डालना है, लाल पुष्प डालना है,
गायत्री मंत्र के द्वारा आप अर्घ्य दें चंद्र सूर्यदेव को, और उसके बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर 3 बार पाठ कर लेते हैं तो इससे आपके सूर्य को बल मिल जाता है और आपके कार्यों में सफलता मिल जाती है। सूर्य को बल देने से बहुत सारे फायदे हैं, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान की प्राप्ति होती है, परिवार में हर जगह आपको सम्मान की प्राप्ति तभी मिलती है जब सूर्य मजबूत होते हैं। तो सूर्य को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और जब इस तरह की तिथियां आती हैं, विशेष संयोग आते हैं, जरूर हमें सूर्यदेव की विशेष पूजा और विशेष रूप से मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर धन प्राप्ति की कामना है तो गणेश चतुर्थी के दिन संकष्टि चतुर्थी के दिन विशेष कौन सा उपाय करें। दोस्तों देखिए, घर के मंदिर में आप जब भगवान गणेश की पूजा आराधना कर रहे हैं उस समय आपको एक सुपारी लेनी है, पूजा वाली सुपारी जो होती है वो सुपारी आप ले लीजिए। चांदी का एक पात्र चाहिए आपको, मतलब चांदी की एक छोटी सी कटोरी हो, और ऐसा ना हो तो आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। एक चांदी का सिक्का लेकर आप उस चांदी के सिक्के पर वो सुपारी रख दीजिए। उसके बाद धूप दीप पुष्प सब चीजें पंचोपचार पूजन कर लीजिए, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य पुष्प सब चीज आप उस जो सुपारी है उसके ऊपर अर्पित कीजिए। भगवान गणेश का स्वरूप मानकर उस सुपारी की विधिवत पूजा कीजिए, और उस सुपारी को आप चांदी के पात्र पर ही घर के ईशान कोण में घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। आज पूजा कर लीजिए आप, उसके बाद हर रोज आपको इसकी पूजा करनी है। ऐसे ही प्रतिदिन आपको धूप दीप दिखा देना है, जो आप रोज की पूजा घर की कर रहे हैं सभी देवी देवताओं की, उसी प्रकार से आपको इस सुपारी की भी पूजा करनी है। लेकिन आज जो ये आप सुपारी चांदी के पात्र में स्थापित कर रहे हैं, उसके बाद जो आप प्रतिदिन पूजा करेंगे, कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे। ये जो सुपारी का पूजन है आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा। धनागमन नहीं है तो धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं इससे, और धन संचय भी होता है। अगर आप कर्ज में घिरे हों या फिर आपके व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार से धनागमन के रास्ते बंद हैं, तो ये जो उपाय है इसे करने से धनागमन के रास्ते खुलते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपको व्यापार में नौकरी में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अगर आप कहीं भी जरूरी काम से जाते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी खास काम के लिए निकलते हैं और वो काम नहीं बन पाता है, या बनते बनते आपका काम अंत समय में बिगड़ जाता है, आज आपको विशेष क्या करना है। संकष्टि चतुर्थी है, संकटों को हरने वाली चतुर्थी है। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कीजिए, और उनके सामने आपको 2 हरी इलायची अर्पित करनी है और 2 सुपारी अर्पित करनी है। 2 हरी इलायची और 2 सुपारी आप एक पीले वस्त्र भगवान गणेश के सामने अर्पित कर दीजिए, और उसके ऊपर ये 2 हरी इलायची और 2 सुपारी रख दीजिए। पूजा कीजिए आप विधि विधान से, जैसे भगवान गणेश की पूजा आप कर रहे हैं करते रहिए। इस पर भी आप धूप दीप अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। उसके बाद वहीं पर भगवान गणेश के पास ही उसी वस्त्र में, जो पीले वस्त्र में आपने ये हरी इलायची और सुपारी रखी है, लपेट कर वहीं पर रहने दीजिए। हर रोज आप इस प्रकार से ही इसकी धूप दीप जैसे पूजा कर रहे हैं सभी देवी देवताओं की, इसी प्रकार से इसकी भी पूजा करनी है। और जब कभी भी आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर किसी खास मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, कोई बड़ी बिजनेस डील के लिए निकल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है, तो आप ये जो पीले कपड़े में जो हरी इलायची और सुपारी आपने रखी है, इसे अपनी जेब में रखकर साथ ले जाइए। आप देखेंगे आपका वो काम जरूर बनता है। अगर आप इस कपड़े को अपने साथ रखेंगे, सुपारी और हरी इलायची के साथ, तो आपका काम जरूर बनेगा। और फिर जब आपका काम बन जाए, आप वहां से आते हैं लाकर, फिर से आप इसे शुद्ध करके और भगवान गणेश के पास ही मंदिर में रख दीजिए। आप जब भी आपको कहीं जाना हो इसे साथ लेकर जाइए, हमेशा आप इसे करिए। बहुत शीघ्र आपको लाभ होगा, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, और धनागमन के रास्ते जो बंद होते हैं भगवान गणेश की कृपा से वो खुलने लग जाते हैं। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के दाता है, तो हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं हो, भगवान गणेश की शरण में हम आ जाएंगे तो वो गणेश जी सभी बाधाएं हमारी दूर कर देते हैं, और हमें सफलता की भी प्राप्ति होती है, मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है, आर्थिक सुख की भी प्राप्ति होती है, और हम अगर किसी भी प्रकार से परेशान हैं तो वो हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र गणेश जी दूर कर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आषाढ़ मास की संकष्टि चतुर्थी से ये जुड़ी हुई ये जो जानकारी थी आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।